इलॉन मस्क ने भले ही स्टारशिप को मार्स प्लेनेट पर ह्यूमंस को ले जाने के लिए बनाया है, बट इलॉन मस्क स्टारशिप को अर्थ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में भी हेल्प करने के लिए बनाना चाहते थे। सो, काफी जल्द प्लेनेट मार्स पर ह्यूमंस को ले जाने वाला स्टारशिप फर्स्ट टाइम स्पेस ऑर्बिट करने वाला है। इस अचीवमेंट को पॉसिबल करने के लिए SpaceX ने वेरियस स्टारशिप के प्रोटोटाइप्स को टेस्ट किया, जो स्टार्टिंग में ओनली 12.5 किलोमीटर या फिर 41,000 फीट तक ही फ्लाई करता था, जो स्पेस में मौजूद 371.32 मिलियन किलोमीटर दूर प्लैनेट तक जाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, और ना ही मार्स प्लैनेट से वापस अर्थ पर आने के लिए, जो मार्स के फर्स्ट टाइम क्रू मेंबर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा यदि मार्स प्लैनेट साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता। ऐसे चैलेंजेस के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बट नाउ SpaceX ने फाइनली इतने स्टारशिप के फ्लाइट टेस्ट के बाद ऐसे प्रोटोटाइप्स बना लिए हैं जो स्पेस में इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट इनिशियल टेस्ट काफी जल्द होने वाला है। एंड काफी जल्दी SpaceX का सुपर हैवी बूस्टर स्टारशिप को फर्स्ट टाइम ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जो ओनली इस तरह के बूस्टर्स की मदद से किया जा सकता है जो ऑलरेडी टेस्ट किए जा रहे स्टारशिप रॉकेट्स में लगे बूस्टर से ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करे, जिसके लिए सुपर हैवी बूस्टर्स की मदद ली जाएगी, जो बिना स्टारशिप की अटैचमेंट के साइज में अकेले ही फैल्कन 9 या फिर कुतुब मीनार से जस्ट 10 फीट छोटा है, जिसकी टोटल हाइट स्टारशिप अटैचमेंट के बाद 120 मीटर या फिर 394 फीट तक हो जाएगी, जो आज तक ह्यूमंस द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट होगा। एंड SpaceX की प्रेसिडेंट ग्वेन शॉटवेल का कहना है कि SpaceX जुलाई 2021 में इस रॉकेट लॉन्च की प्लानिंग कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली इस लॉन्च के डिले होने के काफी चांसेस हो सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली इस तरह का डिले यदि होता है तो इलॉन को इसके डिले से कोई भी इशू नहीं है। आफ्टर ऑल इलॉन इस तरह के स्पेस मिशन के ड्रीम को सच करने के लिए 20 ईयर से वेट कर रहे हैं, जब उन्होंने सभी लोगों के लिए स्पेस ट्रैवल जैसे एक्सपेंसिव फ्लाइट्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए SpaceX की शुरुआत की थी। एंड इस तरह की स्पेस फ्लाइट तभी पॉसिबल है जब ऐसी सर्विसेज देने वाली स्पेस कंपनीज एवरी टाइम यूज होने वाले न्यू रॉकेट बूस्टर्स को रियूजेबल बना पाते, जिसे इलॉन मस्क ने पॉसिबल कर दिखाया। एंड नाउ इलॉन मस्क ने स्टारशिप को रियूजेबल बनाने के बाद इस तरह के स्पेस लॉन्च के प्राइजेस को 8 फिगर से जस्ट 7 फिगर्स तक डिक्रीज कर दिया है, जिसे हम नासा के सिंगल टाइम यूज होने वाले SLS के लॉन्च में स्पेंड होने वाले $2 बिलियन की कंपैरिजन में अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए SpaceX स्टारशिप को फर्स्ट टाइम ऑर्बिट में भेजने के लिए इस तरह के बूस्टर को इस्तेमाल नहीं करने वाली। एंड राइट नाउ फर्स्ट ऑर्बिट फ्लाइट में यूज किए जाने वाला स्पेसक्राफ्ट एज वेल एज बूस्टर अभी बोका चीका में मौजूद SpaceX की फैसिलिटी में अंडर डेवलपमेंट है, जो सदर्न टेक्सास में मौजूद है, जिसे स्टारबेस सिटी कहा जाता है। स्टारबेस सिटी टेक्सास में बनाया गया SpaceX का प्राइवेट रॉकेट प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिसे SpaceX एक रॉकेट टेस्ट साइट की तरह इस्तेमाल करती है, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंडर डेवलपमेंट में मौजूद स्टारशिप और बूस्टर लॉन्च के लिए रेडी होते ही पहले टेस्ट किए गए स्टारशिप की तरह ही लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सेपरेशन 2 स्टेजेस में होगी और इनिशियल 3 मिनट्स में बूस्टर स्टारशिप को बूस्ट देते ही स्पेसक्राफ्ट से डिटैच हो जाएगा, जिसके बाद स्टारशिप का बूस्टर बोका चिका की कोस्ट से दूर द गल्फ ऑफ मेक्सिको में लैंड करेगा, जिस दौरान स्पेसक्राफ्ट का अपर स्टेज यानी कि स्टारशिप अर्थ की ऑर्बिट की ओर आगे बढ़ता जाएगा। इलॉन मस्क ने भले ही स्टारशिप को मार्स प्लेनेट पर ह्यूमंस को ले जाने के लिए बनाया है, बट इलॉन मस्क स्टारशिप को अर्थ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में भी हेल्प करने के लिए बनाना चाहते थे, जो स्टारशिप की मदद से फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम में पॉसिबल हो सकता है। एंड फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट में स्टारशिप को इस काम के लिए भी टेस्ट किया जाएगा। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग स्टारशिप ऑर्बिट में ट्रैवल करते हुए हवाई जाएगा, जिसके बाद स्टारशिप को हवाईयन आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट कवाई के पास पैसिफिक ओशन में लैंड किया जाएगा। इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्बिटल फ्लाइट को पॉसिबल करने के लिए स्टारशिप में 3 से ज्यादा इंजन की जरूरत पड़ेगी, जो स्टारशिप के टेस्ट फ्लाइट में यूज किए गए क्वांटिटी से ज्यादा होना चाहिए, जिसका आइडिया इलॉन मस्क ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में स्टारशिप में एटलीस्ट 9 इंजन लगाए जाएंगे, जिसे फाइनली इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, जिसमें 3 इंजन एटमोस्फेरिक फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बाकी इंजन स्पेसक्राफ्ट को प्रोपल्शन प्रोवाइड करेंगे।
वहीं सुपर हैवी बूस्टर में ऐसे 32 या फिर 33 इंजन्स लगाए जाएंगे और ये इंक्रीज होता इंजन्स का नंबर बूस्टर्स की परफॉर्मेंस को बेटर बनाते हुए स्टारशिप को अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। अभी तक ऐसे पावरफुल इंजन्स आज तक बनाए गए सबसे टॉलेस्ट, हैवीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट सैटर्न 5 में इस्तेमाल किए गए थे, जिसे पावर लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से मिलती है, जो किसी भी बूस्टर में लगाए जाने के बाद एक नॉर्मल इंजन की कंपैरिजन में डबल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। एंड स्टारशिप फाइनली पूरी तरह से रेडी होने के बाद सैटर्न 5 के सभी फीचर्स की कंपैरिजन में एडवांस होने के साथ साथ ज़्यादा हैवी और पावरफुल होगा। एंड इस तरह के साइज में बड़े स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना केवल कुछ चैलेंजेस में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है स्टारशिप को लॉन्च के बाद सेफली लैंड करना, जो अभी के लिए एंड आगे भी कुछ टाइम तक स्पेसक्राफ्ट के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बना रहेगा। बट फ्यूचर में ये डिफ़िकल्टी कोई चैलेंज नहीं बल्कि एक इजी टास्क बन जाएगा, बिकॉज फ्यूचर में SpaceX स्टारशिप को लैंड करने के लिए इस तरह का टावर बनाने वाली है, जिसमें लगे ये एक्सटेंशन साइज में बड़े एंड हैवी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अभी ऐसी चीज़ों को टेस्ट नहीं किया गया है, सिंस SpaceX ने इस तरह के स्पेस ट्रैवल के लिए ऐसे बूस्टर्स बनाए हैं जो रीयूजेबल हैं। इसलिए SpaceX द्वारा बनाए गए सभी बूस्टर्स एक दिन में कई बार अलग अलग स्टारशिप को ऑर्बिट तक ले जाएंगे, जिसके लिए SpaceX को एवरी स्पेस लॉन्च के लिए बूस्टर्स नहीं ओनली स्टारशिप ही बनाने होंगे। बट ये क्वांटिटी कितनी होगी कोई नहीं जानता। बट जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, SpaceX हर एक तीसरे दिन एक स्टारशिप बनाना चाहती है, ताकि वो टोटल 1000 स्टारशिप को नेक्स्ट 10 इयर्स के मार्स कोलोनाइजेशन के लिए रेडी कर सके। मार्स कोलोनाइजेशन से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सिंस मार्स कोलोनाइजेशन के लिए SpaceX को एटलीस्ट 1000 स्टारशिप की जरूरत है, इसलिए कहा जाता है कि SpaceX ने ऑलरेडी स्टारशिप के बूस्टर्स बनाने से पहले स्टारशिप को बनाना शुरू कर दिया है, ताकि वो इस तरह के कोलोनाइजेशन मिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग हिस्से को बना सकें, बिकॉज ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट अपर स्टेज को ही माना जाता है, बिकॉज लॉन्च के टाइम पूरे रॉकेट में से स्टारशिप ही वो हिस्सा है जो ऑर्बिट के डिफिकल्ट स्पेस एटमोसफेयर को फेस करेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टारशिप मिशन के समय अच्छे से परफॉर्म करे, जिसमें कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि मार्स प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हीट शील्ड, जो स्टारशिप के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए सेफ एटमॉस्फेयर बनाकर रखेगा, जो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लाइफ सपोर्ट को भी सेफ रखता है, जिससे पैसेंजर्स को ब्रीथ करने के लिए सेफ एयर, सोने के लिए सेफ जगह, पीने का सेफ पानी और एक्सरसाइज करने के लिए सेफ जगह मिल सके। एंड इन सभी चीज़ों को अच्छे से और एक्यूरेटली बनाना स्पेसक्राफ्ट के बूस्टर्स बनाने से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मीनवाइल सुपर हैवी बूस्टर फैल्कन 9 बूस्टर से साइज में बड़े होने के साथ साथ काफ़ी तरह से डिफरेंट होने वाला है, जैसे कि सुपर हैवी बूस्टर्स को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाएगा, जिसके बारे में और किसी तरह की इंफॉर्मेशन SpaceX ने पब्लिकली शेयर नहीं की है। बट इलॉन मस्क ने ये ज़रूर कहा है कि एक सुपर हैवी बूस्टर को बनाने में एटलीस्ट $5 बिलियन का खर्च आने वाला है, जिसके लिए SpaceX को फाइनेंशियल सपोर्ट SpaceX के इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक से मिलने वाली है, जो सून हमारी कंट्री में भी अवेलेबल होने वाली है, जिसकी पूरी डिटेल जैसे कि अवेलेबिलिटी एंड मंथली प्लान्स हमारे इस वीडियो में मिलेगी। ऑल्सो स्टारशिप के फर्स्ट ऑर्बिट फ्लाइट में SpaceX स्टारलिंक को भी अपनी ऑर्बिटल फ्लाइट पर टेस्ट करना चाहती है, जिसके लिए SpaceX को USA के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से परमिशन लेनी होगी, जिसकी परमिशन मिलते ही SpaceX स्टारशिप में पिज्जा के साइज का ये इंटरनेट डिवाइस इंस्टॉल करेगी। बट SpaceX ऐसा करके क्या टेस्ट करना चाहती है और किसी स्पेसक्राफ्ट में किसी इंटरनेट डिवाइस को लगाने की क्या ज़रूरत है? वेल, जब कभी कोई स्पेसक्राफ्ट हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है, तो उस समय स्पेसक्राफ्ट और अर्थ पर मौजूद मिशन कंट्रोल के बीच का कम्युनिकेशन लिंक टूट जाता है। एंड इस तरह से कम्युनिकेशन टूटने पर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद क्रू मेंबर्स और मिशन कंट्रोल आपस में एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए किसी भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जो स्पेसक्राफ्ट से सेंड होने वाले और रिसीव होने वाले सभी तरह के रेडियो वेव्स को ब्लॉक कर देता है। एंड SpaceX का बिलीव करना है कि वो इस परेशानी को अपने स्पेसक्राफ्ट में स्टारलिंक को इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, और यदि ये आइडिया सच में काम कर जाता है तो ये स्पेस कम्युनिकेशन में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लीव फीडबैक ऑन दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।